आज मैं आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे खुद तो खाना खाना है, लेकिन वो रेस्टोरेंट आसमान पे है। ये है जनाब विश्व बंगला गेट, जिसकी हाइट है 180 फीट। मेरा खाना आ गया जनाब, जो मैंने ऑर्डर करा था, तो मैं बता देता हूँ मैंने ऑर्डर करा ये है चिकन। आज मैं आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे खुद तो खाना खाना है, लेकिन वो रेस्टोरेंट आसमान पे है। जी हाँ, कोलकाता में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बिस्वा बंगला गेट। कोलकाता गेट के नाम से भी वो जाना जाता है। वो है न्यू टाउन कोलकाता में, और आसमान पे आसमान पे मीन्स लाइक ज़मीन पे नहीं है, वो थोड़ा ऊंचाई पे है। कोलकाता की शान है, बहुत ही बढ़िया न्यू टाउन में है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा खाना भी मिलता है। उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, कब आना है कब नहीं आना है। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, मैं एक्चुअली हावड़ा से आया हूँ। हावड़ा से यहाँ पहुँचने के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया, लेट हो गया, बस ने लेट कर दिया। और ये रेस्टोरेंट अगर आपको लंच करने तो 3:30 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं, वरना ये बंद हो जाता है। आप जाएंगे, क्या एंट्री होती है, कैसे होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिलहाल मैं उसके पास पहुंच गया हूं, मैं आपको बस थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं। तो ये है जी वो रेस्टोरेंट, ऐसा लग रहा है बंदे को पता नहीं क्या है, लेकिन ये वो रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट है जो कि आसमान पे है, काफ़ी ऊँचाई पर है। यहाँ से आप कोलकाता को आप देख सकते हो। तो मैं जाऊँगा, विज़िट करूँगा, अब यहाँ से इसके ऊपर जाऊँगा, पूरे डिटेल में बताऊँगा कि ऊपर कैसे जाना है। अभी मेरे को भी उतना कुछ खास आइडिया नहीं है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गप मार रहा था, झूठ बोल रहा था आप लोगों को। ये देख लीजिए, बिल्कुल आसमान में है ये रेस्टोरेंट। ऊपर आसमान, नीचे रेस्टोरेंट। इसके नीचे से गाड़ी जा रही है, काफ़ी हाइट में है यार। ऑनलाइन बुकिंग वगैरह इसकी कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कुछ टिकट काउंटर बता रहे हैं, अब ये क्या एंट्री टिकट है या क्या है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। अच्छा जनाब, ये है टिकट काउंटर बिस्वा बंगला गेट का, और ये है वेटिंग हॉल। आपको एंट्री के लिए यहाँ से आपको टिकट मिलेगी, यहाँ से कंफर्म करेंगे वहाँ पर सीट अवेलेबल है तभी आपको भेजेंगे यहाँ से, वरना यहाँ से नहीं भेजेंगे। तो फिलहाल अभी मुझे वेट करने के लिए बोला 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ से क्या करना है कि टिकट लेनी है 15 मिनट्स के बाद, उसके बाद चढ़ जाऊँगा आसमान पर, आपको दिखाऊँगा कैसा रेस्टोरेंट है क्या। बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है यार, इस व्लॉग को मिस मत करना आप। थैंक यू मैम। तो ये है मेरी एंट्री रिसिप्ट, आपके पास ये एंट्री रिसिप्ट ज़रूर होनी चाहिए। आपको यहाँ पे आके पहले एंट्री रिसिप्ट लेनी है, तभी आपको जाके एंट्री मिलेगी। तो फिलहाल चलते हैं, एंट्री करते हैं। ऊपर है बहुत ज़्यादा यार, लिफ्ट है मुझे लग रहा है, तो लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा। स्टेयर्स भी तो दिख रही हैं। बैग यहाँ पे रखना है क्या? अच्छा जनाब, ये है टिकट काउंटर बिस्वा बंगला गेट का, और ये है वेटिंग हॉल। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि क्या मसला है। एक्चुअल में आपको एंट्री के लिए यहाँ से आपको टिकट मिलेगी, यहाँ से कंफर्म करेंगे वहाँ पर सीट अवेलेबल है तभी आपको भेजेंगे यहाँ से, वरना यहाँ से नहीं भेजेंगे। तो फिलहाल अभी मुझे वेट करने के लिए बोला 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ से क्या करना है कि टिकट लेनी है 15 मिनट्स के बाद, उसके बाद चढ़ जाऊँगा आसमान पर, आपको दिखाऊँगा कैसा रेस्टोरेंट है क्या। बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है यार, इस व्लॉग को मिस मत करना आप। ये है जी बैगेज काउंटर, बैग मैंने अपना यहाँ पर रख दिया, बैग अपना आप अंदर नहीं लेके जा सकते। फिलहाल करते हैं एंट्री, ये है लिफ्ट आई थिंक। तो ये लिफ्ट से जा रहा हूँ जनाब मैं, तो यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, देख लो नीचे रोड दिख रही है, कोलकाता पूरा दिखने लग पड़ा है यहाँ पे। अच्छी फीलिंग्स आ रही है, मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ, ये देख लो नीचे गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी दिख रही हैं। थैंक यू सर। तो फिलहाल मेरी एंट्री हो गई है यहाँ पे बिस्वा बंगला गेट। आसमान पे बैठ के खाना खाने लगा हूँ अभी, ऑर्डर तो नहीं किया, अभी करेंगे ऑर्डर थोड़ी देर के बाद।
तो जनाब मैं बिल्कुल विश्व बंगला गेट के अंदर पहुंच चुका हूं। बाहर से अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, बीच में पूरा इसके गैप है, सर्कल सा बना हुआ है और ऊपर है इसके रेस्टोरेंट। और अगर आप ऊपर से नज़ारा देखते हो तो आपको बाहर ऐसा व्यू दिखेगा, बिल्कुल छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखेंगी, बिल्डिंग्स दिखेंगी ऐसी जो कि बिल्कुल इसके साथ हैं। तो अभी विश्व बंगला गेट में मैं पहुंच चुका हूं, मुझे खाने का ऑर्डर करना है, क्या खाना लाऊंगा, कितना रेट है, कितना बिल आता है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और कैसा एक्सपीरियंस है मेरा वहां पे, वो भी सारा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अगर आएगी आपको पसंद तो लाइक कमेंट शेयर, फिर से बोल रहा हूँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। ये रहा जी मेन्यू, तो मैं जो ऑर्डर करने वाला हूँ, बहुत टाइम हो गया, मुझे चिकन टिक्का एक्चुअली में बहुत पसंद है। ये तो वेजिटेरियन है, ये है नॉन वेजिटेरियन। चिकन टिक्का मिल रहा है यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो आपको 500 कम से कम एक सिंगल बंदे का पे करना होता है, 500। ज़्यादा हूँ तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेकिन 500 सिंगल बंदे का। और दूसरी बात और बता रहा हूँ मैं आपको, 3:30 बजे तक एंट्री होती है, उसके बाद क्लोज़ हो जाती है, फिर शाम को डिनर के लिए 7 बजे ओपन होता है। कभी भी आए यहाँ पे 3:30 बजे से पहले पहले आए, वरना आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। मेरा खाना आ गया जनाब, जो मैंने ऑर्डर करा था, तो मैं बता देता हूँ मैंने ऑर्डर करा यह है चिकन टिक्का। चिकन टिक्का मुझे बहुत पसंद है, उसके बाद ये सलाद मैंने ऑर्डर करा और ये रोटी। तो भूख बहुत तेज़ भी लग रही है, फ़िलहाल करते हैं ट्राई। ये बताया जाता है कि यहाँ का टेस्ट है जो बहुत मज़े का है, मैंने किसी की वीडियो देखी थी और बहुत अच्छा लग रहा था वो वीडियो देख के। अब हम खाना टेस्ट करते हैं कि कैसा है ये खाना एक्चुअली। हाँ अभी तक तो ठीक लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अब टेस्ट करते हो हमें इसका चिकन, बढ़िया है, चिकन भी बढ़िया है। और फिर पता नहीं कितना आएगा, पहले मैं खाने को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद बात ही नहीं हो रही है मुझसे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बिल कितना आया। ये मैंने अब बिल का वेट कर रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, इस रेस्टोरेंट में कभी भी आप आते हैं तो पेट खाली करके आइए। खाली इन द सेंस आपको बाथरूम जाने की अगर ज़रूरत पड़ती है, या 1 नंबर या 2 नंबर किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी वाशरूम नहीं है। इसलिए मेरे पास जो भी सलाद की प्लेट आई थी, इसमें से मैंने जो ये चिल्ली नहीं खाई, क्योंकि चिल्ली खाने से पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द होगा तो कहाँ जाऊँगा। अगर आप लोगों को आना है यहाँ पर, इस बात को माइंड में रखें, या तो टेम्पर लगा के। ना बिल भी आ गया जनाब, ये रहा बिल। हाँ मैं 350 बता रहा था, चिकन टिक्का लबाबदार मैंने मंगवाया था, जो कि ग्रेवी के साथ होता है, ऐसे मंगवाते हैं तो आपको चिकन टिक्का मुमताज़ मंगाना होता है। तो ये 399 मीन्स 400 का, 129 का सलाद, गार्डन ग्रीन सलाद, और 49 मीन्स 50 की ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, उसके बाद 49 तंदूरी रोटी, एक रोटी, 3 रोटियां ली थी तो 150 के करीब मीन्स 147, और टोटल मेरा बिल है जो 724। ओह गॉड, अमीरी आ रही है, अमीरी आ रही है, आजकल अमीर बन रहा हूँ। तो चलिए बिल पे करते हैं और निकलता हूँ बाहर, थोड़ा सा अंदर से भी दिखाना है मुझे अंदर का एरिया। ये आपको मेरा डिस्टेंस दिख रहा होगा, बीच में से आप देखेंगे तो बिल्कुल खाली है, ये जो डिस्टेंस है 3 या 3.5 मीटर होगा, बाकी बीच में से बिल्कुल खाली है। पहले लग रही थी मुझे भूख तो मैंने आप लोगों को घुमाया नहीं, अब मैं थोड़ा सा आपको घुमाने जा रहा हूँ। आइए, कुछ ऐसी सीट्स वगैरह लगी होती हैं यहाँ पे, लोग बैठे होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये होगा 3 से 3.5 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये साइड पे आप लोग नज़ारा देख सकते हो, और मज़े की बात है यहाँ पर गर्मी कुछ भी नहीं है, फुल AC है। और अगर इस साइड से आप कोलकाता को देखते तो नीचे आपको ऐसे छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखेंगी, ये काफ़ी हाइट पे है, सोफा सिटिंग भी है यहाँ पे।
ये मैं आपको ऊपर घुमा रहा हूँ, ये जितना एरिया है बैठने का बस वही एरिया मैं घुमा रहा हूँ। बीच में से अगर यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो आपको अंदर तो पहले जाने की जगह ही नहीं मिलेगी, और दूसरा अगर मिलती है तो अंदर जगह है ही नहीं है कुछ भी बैठने के लिए, क्योंकि बीच में से बिल्कुल खाली है, जैसे कि नीचे से मैंने आपको दिखाया था। भाई साहब खाना वाना भी हो गया, आपको रेस्टोरेंट को अंदर से भी दिखाया, बाहर से भी दिखाया, अंदर से नज़ारा नीचे कैसे दिखता है सब कुछ दिखाया। और बता देता हूँ अगर आपको आना है तो ये यहाँ पे न्यू टाउन कोलकाता न्यू टाउन में है, आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, बाय बस भी आ सकते हो, कैसे भी हो तो कोलकाता में आप सिंपली यहाँ पे पहुँच सकते हो। बढ़िया खाना, मस्त खाना, ऊपर जाके अलग ही फील आती है। थोड़ा सा ऐसे शेक कर रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, पर ऐसा डरने भरने की ऐसी कुछ भी बात नहीं है। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन किसी किस्म का भी आपको खाना चाहिए आप लोग यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल मेरे पीछे है, एक बार आप देख सकते हो। वीडियो बताइए कैसी है, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत लेट होकर मैं पहुँचा, आज की वीडियो आज ही अपलोड कर रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें।